नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी में मेरा नाम है संदीप जानी कैसे हैं आप सभी लोग तो आज बहुत सारे लोग जो जो हैं हैं वो हो सकता है कुछ दोस्त ऐसे परेशान हैं जो है अभी जो लास्ट शिफ्ट में स्पेशली जिनका एग्जाम हुआ तो दोस्तों जल्दी से अपने दोस्तों के साथ बाकी जो मित्र हैं उनके साथ आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी जो हैं इस क्लास को ज्वाइन कर लें और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कुछ एग्जाम के बारे में दोस्तों अगर हम देखें 28, 29 और जो अपनी 30 तारीख को तीन दिन जो अपने एग्जाम हुए 28 को बहुत कम दोस्तों के एग्जाम थे ट्वेंटी को जो लास्ट शिफ्ट के अंदर हुआ और ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन्थ को एग्जाम हुआ थर्टी को हुआ ट्वेंटी नाइन को फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में ज्यादातर लोग थे बहुत ही रेयर जो है वो सेकंड शिफ्ट के अंदर आए थर्टी के अंदर सिविल इंजीनियरिंग का जो आज जो था मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो एग्जाम हुआ पेपर जो आपका शिफ्ट वन के अंदर और शिफ्ट टू के अंदर हुआ उसमें अगर हम बात करें दोस्तों ट्वेंटी एट्थ वाले एग्जाम की तो उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो ठीक ठीक था मॉडरेट था ना कम था ना ज्यादा था ट्वेंटी नाइन्थ की बात करें तो वो भी ठीक था मतलब एवरेज अटैम्प्ट की अगर हम बात करें तो एक सौ बीस तीस तक जो अटैम्प्ट है वो जा रहा था उसके बाद अगर हम आज की बात करें आज सुबह का जो था उसका भी जो है वो अच्छा खासा था लेकिन सेकेंड शिफ्ट जो आई इवनिंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट के अंदर अगर हम बात करें तो जितना भी दोस्तों से बात हुई जितने भी लोगों से बात हुई सभी ने यही बताया यही लगभग सारा जो कंक्लूजन सा निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि ऑलमोस्ट मोर देन फोर्टी परसेंट या ये कह लीजिए फिफ्टी परसेंट के आसपास न्यूमेरिक पोर्शन था अब कुछ दोस्तों ने ये बताया पूरा तो जब हमारे पास पेपर आ जाएगा तब डेटा देख के हम बता सकते हैं कि कैसा था लेकिन ये चीज तो श्योर है फॉर श्योर इट इज कि जो लास्ट शिफ्ट थी जो आपकी जो इवनिंग शिफ्ट थी वो बहुत डिफिकल्ट थी डेफिनेटली और उसके अंदर डिफिकल्ट जो है पार्ट भी था और साथ ही साथ में न्यूमेरिक पोर्शन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है टाइम ज़्यादा लग जाता है आपको टाइम ज़्यादा लगने लग जाता है तो धीरे धीरे जो आसान क्वेश्चन अगर आए होंगे तो वो भी टफ लगे होंगे उस मोमेंट के ऊपर क्योंकि प्रेशर इतना डेवलप हो जाता है एक तो ऑलरेडी जो लास्ट शिफ्ट वाले दोस्त थे अब देखो हम यहाँ पे बात करते हैं कि बेनिफिट की जो आप बात करते हैं कहीं ना कहीं इस पॉइंट को भी एग्जामिनर ने ध्यान में रखा था कि हम शुरू से ही बात करते आ रहे थे कि एनालिसिस जो है आपको ध्यान से देखना है क्यों क्योंकि एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है हेल्प मिल जाती है नेक्स्ट शिफ्ट वालों को या नेक्स्ट डे जिनका एग्जाम होता है उनको तो कहीं ना कहीं ये पार्ट भी हो सकता है एग्जामिनर ने ध्यान में रखा हो कि आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स हैं या ऑनलाइन जो एनालिसिस होते हैं एग्जाम के तो बच्चे वो देखें तो ऐसा ना हो कि वो जो फर्स्ट शिफ्ट वाले या फर्स्ट डे जिन्होंने एग्जाम दिया उनके साथ कोई भेदभाव ना हो जाए तो हो सकता है ये भी एक पॉइंट रहा हो लास्ट शिफ्ट के अंदर जो है, उसमें न्यूमेरिक पोर्शन ज्यादा देने का या टफ पार्ट देने का हाँ वो बात अलग है जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो चीजें जो है वो सेम पेज पे सेम पेज पे सब ये ही लाई ही जाएंगी डेफिनेटली लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें दोस्तों तो ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा ऐसा नहीं कह सकते कि पेपर जो है वो इजी था या ठीक था न्यूमेरिक पोर्शन ज्यादा होने की वजह से अगर उसमें कुछ इजी पार्ट भी था दैट ऑल्सो कुड हैव साउंडेड लाइक टफ पार्ट और न्यूमेरिक पार्ट की अगर हम बात करें दोस्तोंगैक्ट तो अपने पास क्वेश्चन आ जाएगा एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा तो उसके बाद तो हमारे पास और भी अच्छा डेटा होगा टू कंपेयर की हाँ कौन सी शिफ्ट है, जो है, वो कितना ज्यादा टफ थी या कैसे क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आए थे फिलहाल के जो एनालिसिस हैं दोस्तों उसके अंदर तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही है जितने आप सभी दोस्तों को याद रहे आपने जो शेयर किए उसके अकॉर्डिंग हम अभी तो बात कर सकते हैं जब अपने पास पूरे जो है आंसर की या फिर जब क्वेश्चन पेपर पूरा आ जाएगा तब अपने डिस्कस कर करेंगे। चतुर का। वो साथ में बैठते थे। वो सारी बातें आपकी सुन रहे थे कि कब क्या होता है आप जो चैट में लिखते हैं उस पे वो स्पेशली ध्यान देते हैं कि आजकल बच्चे क्या बातें कर रहे हैं अब तो उनके पास जरिया आ गया सुनने का कि आप लोग क्या बात करते हैं तो हो सकता है इसके अकॉर्डिंग उन्होंने लास्ट शिफ्ट जो है उसमें गड़बड़ कर दी बहुत सारे आपके आप में से देखो कुछ पॉजिटिव बातें कर लेते हैं नेगेटिव बातें तो आप बहुत ज्यादा फील कर ही चुके होंगे दोस्तों अभी तक ठीक है कुछ पॉजिटिव बातों में अगर मैं देखूं तो मैं ग्रुप के अभी कुछ मैसेजेस देख रहा था उसमें किसी ने अलग अलग टाइप के ट्रोल डाल रखे थे कोई कहता है कि सौ रुपए में गेट के एग्जाम की फीलिंग आ गई कोई कह रहा था कि वो एक मूवी है जिसमें कौवा बिरयानी वाली मूवी है उसका किसी ने ट्रोल डाल रखा था कि गेट एस का एग्जाम बता के गेट में कुदा दिया तो ये सारी चीजें तो चलो कोई बात नहीं दोस्तों ठीक है इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ आपका अगर एग्जाम जो है अगर आपका जो अटेम्प्ट है वो कम रहा है अगर आप कह रहे हैं कि आपने 100 के आसपास या फाइव 105, 105, 110 के आसपास ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए तो लास्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो लास्ट शिफ्ट के अंदर अगर आपका अटेम्प्ट जो है वो 105, 10 भी अगर आपने किया और आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो एक अच्छा वर्क मैं मानूंगा एक अच्छा अटेम्प्ट है आपका और आपकी जो मेहनत थी उस मेहनत के अंदर कहीं कोई शिकायत नहीं है मुझे तो डेफिनेटली नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं आपको भी अपने आप से शिकायत कोई नहीं होगी एग्जामिनर तो डेफिनेटली हम दोनों जब सेम साइड पे हैं तो एग्जामिनर तो हमारे एंटी है ही है तो उनकी तो बुराई हम करेंगे ही कि हाँ एग्जाम जो था लास्ट वाला जो आपका सेट था डेफिनेटली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं वो चीजें जो हैं वो कंपनसेट कर दी जाएंगी आप निश्चिंत रहें इस बात में ठीक है 2020 के लिए कब शुरू होगा यार ये देखो कितने पॉजिटिव दोस्त बैठे हैं यहां पे कि 2020 के लिए कब शुरू होगा ये बता दो आज का जो हो गया वो हो गया बहुत अच्छी बात है दोस्तों आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है अगर आप इस टाइम में अगर आप ऐसे टैकल कर रहे हो मतलब ऐसा रिस्पॉन्स तो मुझे नहीं लग रहा था मुझे यही लग रहा था कि हाँ मतलब काफी हताश है आप लोग ठीक है हमारा ह्यूमन नेचर है एक दो दिन थोड़ा सा फील होगा कोई दिक्कत नहीं है धीरे धीरे हम चीजों को ओवरकम कर लेते हैं लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं आप ये देखो बहुत कम परसेंटेज दोस्त ऐसे हैं जिनको ऐसा लगा कि हाँ भाई मतलब जो लास्ट वाले शिफ्ट के हैं वो हंड्रेड परसेंट जो सेटिस्फाइड होते हैं ना कि नहीं मेरा पेपर बहुत अच्छा गया सभी को ऐसा लग रहा है कि जितनी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी जितना वो कट ऑफ देखते आ रहे हैं जितना वो ट्रेंड देखते आ रहे हैं जितना वो दूसरों को देखते आ रहे हैं कि कितना आपने अटेम्प्ट करना चाहिए था यानी कि चलते हुए ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम देखें 2016, 17, 18 के हिसाब से तो सबकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि मिनिमम अटेम्प्ट आप 160 करके आओ और उसके बाद आपके जो मार्क्स हैं वो लगभग 120, 130 प्लस आने चाहिए तो ऐसा नहीं होता है दोस्त इस बार का जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ भी लगभग जो हैं अब जो जितनी अब तक रही हैं उनसे कम ही रहेंगी वन टेन फिफ्टीन के आसपास जो आपकी कट ऑफ है उतनी रहनी चाहिए बाकी कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है अभी बोल देना एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगी ये बहुत जल्दी इट इज टू अर्ली टू से क्यों क्योंकि अभी नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो आपकी जब आपकी फाइनलाइज हो जाएंगी कितने नंबर ऑफ फाइनल सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम बता सकते हैं कि कट ऑफ लगभग कितनी रहेगी कितने एस्पिरेंट्स ने टोटल एग्जाम दिया कोविड के चलते हुए बहुत सारे जो अटेंडेंस हैं फर्स्ट डे अटेंडेंस बहुत कम थी तो अटेंडेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है तो सारा डेटा जब एकट uh, हो जाता है उसके बाद एक आइडिया लगाया जा सकता है कि हाँ लगभग कट ऑफ जो है वो कितनी रहेगी लेकिन ये तो तय है कि पिछली बार जितनी तो नहीं जाएगी उससे कम ही रहने वाली है कट ऑफ जो हो गया उसे क्या ही रिकॉल करना 93 थ्री हुए कोई बात नहीं इट इज नॉट अ बैड अटेम्प्ट अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो आपको बस क्या है आपको एनालाइज uh, करना है कितना आपको आता था कितना आपने अटेम्प्ट कर दिया है कितना और जो गैप है वो बच रहा है तो ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है जो हो गया आपने अपना बेस्ट दिया दैट इज़ ऑल यू हैव टू रिकलेक्ट और नेक्स्ट जो आपका <coughs> जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है चाहे आप अपने स्टेट एग्जाम्स जो हैं वो देने जा रहे हैं चाहे गेट एंड ई का आप एग्जाम देंगे तो जो भी आपका नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम हो उस एग्जाम के ऊपर आपको फोकस करना है बिना निराश हुए टिप्स फॉर बिहार स्टूडेंट्स बिहार स्टूडेंट्स के लिए टिप देखो अब सारी चीजें एक सेम पेज पे आ गई हम पहले बात कर रहे थे कि जो बिहार वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कितना बेनिफिट हो जाएगा या अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट डे वाले हैं उनको कितना लॉस हो जाएगा वो एनालिसिस का उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप ये भी तो देखो जो जितनी इनिशियल शिफ्ट थी उनका एग्जाम जो है वो स्मूथ गया और जो जितना जितना लास्ट में शिफ्ट आती गई उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता गया तो बिहार जो है जिन दोस्तों को एग्जाम बाद में देना है अभी दिसंबर के अंदर उनके लिए तो यही है कि आप जो सारी चीज़ें जो हैं आप प्रिपेयर्ड हो जाइए आप क्वेश्चन जो हैं आप अब इन डेप्थ जो है जितनी चीज़ें पूछी गई हैं लास्ट जैसे शुरू के शिफ्ट्स की अगर हम बात करें तो आपका जैसे ओपन चैनल फ्लो है या टर्बाइन है वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आए लास्ट के शिफ्ट में उनसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लिए गए टॉपिक जो है प्लास्टिक एनालिसिस से रिलेटेड भी पूछ लिए गए ठीक है जो आपके प्लास्टिक मूवमेंट कैलकुलेट करना उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लिए गए आपसे तो ऐसे टॉपिक्स भी आए हैं स्पेशल क्लासेस के अंदर हमने इनको कवर किया था हालांकि जेई लेवल में इतनी चीजें आपसे नहीं पूछते हैं जितनी आपसे यहां पे पूछी गई लास्ट वाले शिफ्ट के अंदर बाकी अगर मैं बोलूं कि जो मॉर्निंग शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी ना तो वो ईजी थी ना वो टफ थी मॉडरेट से था लास्ट शिफ्ट को हम कह सकते हैं कि लगभग टफ था दो घंटे बहुत कम है ऑब्वियस सी बात है कि जितने क्वेश्चंस आपके पास आए और न्यूमेरिक पोर्शन ज्यादा था तो उसके अकॉर्डिंग आप जो हैं टफ तो है डेफिनेटली लास्ट वाला पोर्शन टफ कह सकते हैं और वो टफ भी इसलिए क्योंकि न्यूमेरिक पार्ट ज्यादा था 109 सौ किया आपने चलिए थोड़ा सा मैं आपको पोल का डेटा भी बता देता हूं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा वैसे आपने ग्रुप पे जो है वो देख लिया होगा कि कैसा अब तक का जो एग्जाम है वो रहा वन ट्वेंटी एट आपने अटेम्प्ट किया वन सेवेंटी नाइन अटेंप्ट किया वन ट्वेंटी टू किया ओके चलिए देखते हैं तो दोस्तों जो पोल कंडक्ट करवाया था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो लगभग तीन हजार बच्चों ने इस पोल को पोल के अंदर अभी तक पार्टिसिपेट किया है एक दो घंटे पहले मैंने ये पोल करवाया था तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें दोस्तों तो मेजोरिटी जो पोर्शन है वो आपका दोस्तों एक सौ दस से लेके 130 के बीच में जो है यहां पे लाई कर रहा है जो मेजर पोर्शन है आपका 130 से 150 वाले भी बहुत हैं जिन्होंने इतने क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर लिए 130 टू 150 वाले सो so मेजॉरिटी आपका 110 या फिर आप ये कह लीजिए 120 से लेकर 150 के बीच में अटैम्प्ट जो है वो मेजोरिटी कर रहा है लेकिन उसमें वो दोस्त भी हैं जिनके शिफ्ट जो है वो इजी थी तो इजी शिफ्ट्स वाले भी बहुत सारे दोस्त हैं आज की अगर मैं बात करूं और आज का डेटा अगर मैं देखूं तो जितने भी दोस्तों के मैसेज आए जितने भी मैं बात कर पाया जितने लोगों से भी उनका जो है निष्कर्ष यही है लास्ट शिफ्ट वालों का कि उनका जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो एक सौ दस के बीच में रहा है ठीक है अगर आप एक से ऊपर आपने अटेम्प्ट किया है लास्ट शिफ्ट के अंदर तो आई थिंक इट इज अ गुड अटेम्प्ट एज पर द डिफिकल्टी लेवल और एज पर द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिक पोर्शन जो है वो ज्यादा पूछा गया बाकी सी कि कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर कीज आ जाए एक बार तब और बेटर कंपैरिजन हो पाएगा चलिए सारी दुनिया की तकलीफें एक तरफ हैं और राहुल मीना जी की तकलीफें एक तरफ हैं वो जानना चाहते हैं कि प्रियंका ने पेपर क्यों नहीं दिया तो कोई बात नहीं दोस्त यही है इसी तरीके से आप जो हैं जो भी आप अपने सदमे हैं उनसे आप उभर सकते हैं कोई बात नहीं बाकियों को पेपर टफ था इसलिए टेंशन हो रही है आपको इसलिए टेंशन हो रही है कोई बात नहीं इट्स ओके आपका कंसर्न है अपने मित्रों के लिए तो ध्यान रखना अच्छी बात है उनका चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आगे की बात करते हैं अब जो हो गया वो हो गया फटाफट से कुछ क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हमारे क्वेश्चन जो है वो आए हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों एनवायरमेंट इंजीनियरिंग टू जो है सेकेंड नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इसकी अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो हमारी क्लासेस हैं वो डेफिनेटली रहेंगी ही रहेंगी सो so, नया जो सेशन है वो बहुत जल्दी अपने शुरू करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं आएंगी अपने पास तो सिविल 101 चैनल भी है ये आ चुका है इसके ऊपर जैसे कोई फर्स्ट वीडियो आएगी तब आपको बताएंगे इसके बारे में और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग टू विल बी स्टार्टिंग ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म ये कोर्स जो है ये लाइव हो चुका है आप जा सकते हैं इस पर एनरोल कर सकते हैं अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है सब्सक्रिप्शन नहीं है तो अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल करना है संदीप जानी सर्च करना है वहाँ ये कोर्स दिखाई देगा उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है कोड यूज करना है संदीप डबल वन यू आर गोइंग टू गेट अन सब्सक्रिप्शन चलिए ठीक है प्लीज डोंट माइंड आई जस्ट नॉर्मली मैंने ये चीज़ बोली ठीक है परेशान मत हो ये दोस्त इट इज़ इंपॉर्टेंट आपके अपने दोस्तों की इतनी चिंता है पूछ लेना चाहिए क्यों नहीं दिया एग्जाम लगता है गेट का कॉपी पेस्ट कर दिया हो सकता है मे भी ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट कर दिया लेकिन लेवल हो सकता है ज़्यादा रखा हो इस बार चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन के बारे में क्वेश्चन था एनर्जी के बारे में भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था फटाफट देख लेते हैं क्योंकि इनके अराउंड अब स्टडी जो नेक्स्ट कोई और एग्जाम तो है नहीं तो और ज्यादा डिटेल में अभी के लिए नहीं जाएंगे जब हमारे पास कंप्लीट पूरा पेपर आ जाएगा तब उसका डिस्कशन करेंगे हम फिर उसके बाद बोगस कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन था आपको चार ऑप्शन जो है वो गिवन थे उसके अंदर कौन सा बोगस कंपाउंड नहीं है ल कवर के बारे में आपसे पूछा गया वेरी सीवियर कंडीशन के अंदर तो 20 30 पैंतालीस पचास पचहत्तर ये हमें याद था और ये क्वेश्चन दोस्तों देखो अब आप कहेंगे कि सर तो जो इजी इजी वाले क्वेश्चन है ना वो आपको एनालिसिस में करवा रहे हैं ये वही क्वेश्चन है जो आप सब रिकले, रिकलेक्ट कर पाए आप भी डेफिनेटली जो इजी वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा रिकलेक्ट कर पाते हैं ना कि जो हमें याद होते हैं या जो हमने करेक्ट किए होते हैं तो जितना डेटा मेरे पास पहुंच रहा है दोस्त उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन और बाकी जब हमारे पास ऑफिशियली पूरी डिटेल आ जाएगी तब उसके बाद हम उसका डिटेल जो है डिस्कशन करेंगे

नेक्स्ट टारगेट मीन स्ट्रेंथ की बात की थी टारगेट मीन स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है न्यूमेरिक क्वेश्चन वो आपसे पूछा गया ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी ऑलरेडी कर रखा है एक आपसे फील्ड कैपेसिटी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है या डेप्थ ऑफ इरिगेशन कितना आपको इरिगेशन करना है इससे रिलेटेड ऐसा सुनने में आया ऐसा सा क्वेश्चन जो आया था एग्जैक्ट डेटा आई डोंट नो क्योंकि एग्जैक्ट डेटा अभी मेरे पास आया नहीं है तो ऐसा सा ही कोई डेटा था जिसके अंदर आपको फील्ड कैपेसिटी दे रखी है आपको वहां पे परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट या ये सारा जो डेटा है वो गिवन है ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर किए थे किए जरूर थे किए इसलिए थे ताकि हम टॉपिक को समझ पाए हम उसके बारे में प्रैक्टिस कर पाए लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि ऐसे इतना टच हो जाए कि इतने लंबे लंबे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम एज इट इज दे दे पॉसिबल नहीं है ना कि टाइम जो है आप 120 मिनट का समय दे रहे हैं और 200 क्वेश्चन करवा रहे हैं उसमें भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ आप बिल्कुल सिविल इंजीनियरिंग की एकदम जड़ों तक चले जाएं और सब कुछ पूछ लें और इतना डिटेल में न्यूमेरिक पोर्शन इतना पूछ लें तो वो पॉसिबल नहीं है सीयूसीसी कैलकुलेट करना था ओके दो क्वेश्चन थे इस टाइप के हां हमने ये क्वेश्चन किए थे हमने किए थे मैं आपके फेवर में ही बोल रहा हूँ मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे तो आपने क्यों नहीं अटेम्प्ट किया मैं आपको यही कह रहा हूं कि टाइमिंग को देखिए टाइम को देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखिए जिसमें रीजनिंग भी है जहां पे आपको टाइम लगने वाला था उसका जो जो टाइप्स है वो भी इस बार रीजनिंग भी थोड़ी टफ आई थी और यहां पे अगर हम देखें तो न्यूमेरिक पोर्शन अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो मतलब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना ज्यादा जो कोई एस्पिरेंट है वो अटेम्प्ट कर पाएगा हालांकि वो क्वेश्चन वो टॉपिक्स जो आपने पढ़े ही होंगे आउट ऑफ सिलेबस तो वो पूछ नहीं सकते तो सिलेबस में इनसे ही पूछा है डेफिनेटली लेकिन एज पर द टाइम एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल जो है मैं यहाँ समझ रहा हूं कि अन्याय हुआ है दोस्तों आप सभी के साथ नेक्स्ट बात करें वो पोरोसिटी और वाइट रेशो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था आपको वैल्यू एक दे दी, दी गई आपसे कैलकुलेट करवा दिया नेक्स्ट होल और इनसे कन्वर्जन सिंपल सा क्वेश्चन कन्वर्ट करने वाला आप ये कर सकते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर उसके बाद अनदर नेम फॉर बाउंड्री रूल कंपल्स रूल अगर आपको कहीं ऑप्शन में दे रखा हो तो आपने उसे टिक कर दिया होगा नहीं भी टिक किया होगा तो मैं मान लूंगा कि आज जो है ऐसा प्रेशर क्रिएट हो गया ये आसान सी चीज भी हो सकता है हमें वहां पे मुश्किल लगी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त नॉर्मलाइजेशन हो ही जाएगा और जो हो गया वो हो गया जितनी मेहनत आपने कर ली उससे आप संतुष्ट हो जाइए कि आपने अपना हंड्रेड परसेंट दे दिया आगे कुछ कुछ स्टांसिस होते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम जो है उनके अंदर एक लक वाला फैक्टर भी होता है, एक नाम की भी चीज़ होती है कि कोई ऐसा चांस ही हो जाता है पेपर टफ आ गया या शिफ्ट ऐसी हो गई या प्रेशर इतना क्रिएट हो गया जिनका सबसे लास्ट वाले शिफ्ट में एग्जाम था वो शुरू से पिछले तीन दिन से वो कितने प्रेशर में आप सोचिए उन्होंने कोई भी कोई भी मतलब ऑनलाइन के अंदर अगर उनको कोई भी एनालिसिस कोई भी वीडियो कुछ भी दिख गया होगा तो एक होप होता है कि यार इस वीडियो को देख लेते हैं फटाफट इसमें कुछ ना हो इसमें कुछ ना हो इसमें कुछ ना हो तो उन्होंने

Mains के बारे में बताएं हाँ बात करेंगे पुट करना है वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस के बारे में आपसे पूछा हुआ था एफ फोर वन फाइव के लिए पॉइंट फोर एट डी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ सोक पिट का क्या यूज होता है तो जो आपका सेप्टिक टैंक होता है उससे जो वाटर आता है उसको आप ग्राउंड के अंदर ट्रांसफर करने के लिए आप क्या यूज करते हो सोक का आप यूज करते हो नेक्स्ट उसके बाद बात करें दोस्तों तो आपसे डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया ये आपका आरपीएम होता है आपको पता ही है इसके अकॉर्डिंग पर सेकंड आप कलेक्ट जो सेलेक्ट कर सकते थे एज पर द गिवन ऑप्शंस नेक्स्ट बात करें स्पेसिफिक एनर्जी से रिलेटेड रेक्टेंगुलर चैनल की स्पेसिफिक एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया गया तो फॉर्मूला अगर याद था ओपन चैनल फ्लो का तो आप कर पाए होंगे नहीं तो कोई बात नहीं आपने और बहुत सारी अच्छी चीजें कर रखी हैं एफिशिएंसी और पावर के बीच में कोई रिलेशन या ऐसा कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था तो इट डिपेंड्स ऑन आपसे वाटर एफिशिएंसी पूछी गई हाइड्रोलिक एफिशिएंसी या क्या आपसे पूछा था ओवरऑल एफिशिएंसी पूछा था तो एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन जब हमारे पास आ जाएंगे तब दोस्तों हम इसका डिस्कशन कर सकते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल था अब अगर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के ऊपर पूरा आपसे कैलकुलेट करवाएं अगर स्पेसिंग आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़े फिर आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़े डिस्टेंसेज आप उसके बाद कैलकुलेट करें तो आई डोंट थिंक कि इट इज अ फेयर क्वेश्चन कि आप एसएससी के अंदर इतना बड़ा क्वेश्चन एक मार्ग के लिए पूछ रहे हो वहां पे सो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस आपसे पूछा गया नेक्स्ट लेग डिस्टेंस कल रात को ही मैंने आपको बताया था कल रात की जो एनालिसिस वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया कि ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने उसने एस एस कंप्लीटली पूछा है या उसने सिर्फ लेग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है या उसने सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो ये आपको ध्यान रखना था ये आपको वहां पे ध्यान रखना था लेग डिस्टेंस आपसे पूछा है तो सिर्फ वी इंटू टी ये मैंने आपको कल रात को भी बोला था कि वो किस किस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों देखो अभी बोलना इट इज टू अर्ली इट इज टू अर्ली टू स्पीक अबाउट इट क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है और पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो देखने के बाद हर एक शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंपेयर करने के बाद हम बता सकते हैं कि लेवल क्या रहा अटैम्प्ट की तो बात हमने ऑलरेडी कर ली है कि जो लास्ट शिफ्ट के अटैम्प्ट है नंबर ऑफ क्वेश्चन के जो किए हैं वो लास्ट शिफ्ट में कम है तो नॉर्मलाइजेशन में लास्ट शिफ्ट वालों के डेफिनेटली जो मार्क्स हैं वो बढ़ेंगे अगर आपने ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रखी है यू लेफ्ट ले दी क्वेश्चन डेफिनेटली इट वॉज अ गुड डिसीजन इफ यू लेफ्ट लेन दी क्वेश्चन एंड वेंट फॉर द क्विक वन चलिए नेक्स्ट बात करें दोस्तों आपको कल रात को ही बताया था लीज होल्ड से रिलेटेड कल क्वेश्चन आया था जो आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है फर्स्ट डे जो आपका ट्वेंटी एट्थ को एग्जाम था उसके अंदर आया था ओब्सोल्यूशन से रिलेटेड जो टर्म है वो आपको लास्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ लिया गया तो ऐसी कुछ कुछ रिलेटेबल चीजें भी होती हैं जो रिलेटेबल क्वेश्चन होते हैं वो भी हमें मिलते हैं और कुछ जो आपको डिटेल में मिले वो भी शियर स्ट्रेंथ जो है इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन था फॉर्मूला आपको यूज करना था आंसर आप कैलकुलेट कर सकते थे आपको सारी टर्म्स जो है वो दे रखी थी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास सेफ्टी फैक्टर फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड लाइव लोड एंड डेड लोड इनके लिए आप लोड फैक्टर जो यूज करते हैं वो कितना यूज करते हैं 1.5 यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी वहां पे अवेलेबल थे न्यूमेरिकल इफेक्टिव स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस के ऊपर न्यूमेरिकल थे तो जिन दोस्तों ने ई एस स्पेशल क्लासेज जो है वो ले रखी थी जो हमने लॉकडाउन के टाइम पे सॉयल मैकेनिक्स की क्लासेज की थी वो आराम से ऐसे क्वेश्चंस कर पाए होंगे क्यों क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हमने किए थे वो दोस्तों क्वेश्चन इसीलिए किए थे कि फ्री टाइम है थोड़ा एडिशनल कुछ अगर हमें कवर करना हो कुछ और एक्स्ट्रा कवर करना हो इसीलिए हमने सॉइल की जो क्लासेस थी उसके अंदर हमने दोस्तों जो आपके ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर टॉपिक से रिलेटेड हमने किए थे तो आपको यहाँ पे आज डेफिनेटली हेल्प मिली होगी लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपने चुटकियों में वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे क्यों क्योंकि न्यूमेरिकल्स में टाइम लगता है तो टाइम लगा होगा स्ट्रेस भी हुआ होगा जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि कैसे लेवल आएगा उसके हिसाब से चेंज आया तो सारी चीजें ही होती हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो पॉजिटिव आपको वहां पे लगा होगा कि अगर आपने मेहनत की थी उस टाइम ई के क्वेश्चंस करके तो वो आपको मिला होगा प्लास्टिक एनालिसिस जैसे टॉपिक थे जो आपके जेई में बहुत ही कम पूछते हैं उससे रिलेटेड भी प्लास्टिक मोमेंट कैलकुलेट करना ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आपने अगर मेहनत की थी अगर आपने स्पेशल क्लास ली जो एक्स्ट्रा पार्टी था वो एस के अलावा ही था तो आपको आज जो है इसमें इस एग्जाम में हेल्प मिली होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट या फ्लेक्सर के अंदर आपसे स्ट्रेंथ जो है वो पूछी गई होगी 0.7 √fc के आपको पुट करना था आपको 36 या कुछ ऐसी वैल्यू जो है वो गिवन होगी तो आप नियरेस्ट आप ले लीजिए 6 तो 0.7 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट हम बात करें तो ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर पैसिव अर्थ प्रेशर वन माइनस साइन फाइव ऑन वन प्लस साइन फाइव तीनों शिफ्ट के अंदर इससे रिलेटेड तो, सॉरी तीनों दिनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आई आए हैं शिफ्ट में तो ये पार्ट जो है ये वाला तो ईजी रहा होगा नेक्स्ट आगे बढ़े अगर हम तो जेल स्पेस रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन था ये जब कंक्रीट हमने रिवाइज़ किया एग्ज़ाम से जस्ट दो दिन पहले ही तब भी मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाता है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ई में आया है एस में पूछे जाने की गुंजाइश है ये हमने जब हम एस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे स्पेशल क्लासेस के अंदर तब भी हमने बताया था आपको ये और जब हमने रिवाइज किया था अभी रिवीजन चार दिन पहले एग्जाम से जस्ट पहले जो रिवीजन चल रहा था उसमें भी मैंने आपको बताया था 240 फोर्टी इंटू जेल बाय स्पेस रेशियो का स्क्वायर आपको करना था नेक्स्ट कैंटिलीवर के अंदर डिफ्लेक्शन आपसे पूछा गया जो लास्ट वाला जो केस है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड वाला फ्री एंड पर जाते जाते लोड जो है वो जीरो हो जाता है फिक्स्ड एंड पे मैक्सिमम हो जाता है तो इस केस में आपके पास डब्ल्यू एल रेज टू द पावर फोर अपॉन थर्टी ई आई ये वाला आपको करेक्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना था और कितना डराएंगे डरा कहाँ रहे हैं दोस्त कोई दिक्कत नहीं है अब जो हो गया वो हो गया अब परेशान मत हो ठीक है अब जो हो गया जो एग्जाम हो गया है ना अब चिल मारो दो दिन ज़्यादा से ज्यादा आज आज परेशान हो लो रोने का मन कर रहा है रो लो अपने दोस्त से बात करनी है बोल लो उसको दो कुछ शब्द बोलने हैं वो बोल लो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा उसके बाद कुछ नहीं है उसके बाद आगे फोकस करना है फ्यूचर पे फोकस करना है अब जो हो गया हो गया कैलकुलेशन ऑफ सेंटर लाइन आपको कोई डायग्राम दिया होगा किसी दोस्त ने बताया कि सर बड़ा ही गंदा सा डायग्राम दे रखा था उसमें सेंटर लाइन कैलकुलेट करनी थी तो वो जो गंदा या अच्छा सा जो डायग्राम था उसमें सेंटर लाइन कैलकुलेट करनी है आपको और उसके बाद कैंटिलीवर बीम्स डायमेंशन गिवन थे न्यूट्रल एक्सिस आपको कैलकुलेट करनी थी और नेक्स्ट ये तो सुबह की शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं वो हैं आपके इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन कैलकुलेट करना एग्रीगेट का साइज जो है उसका वर्केबिलिटी पे क्या फर्क होगा ये आपसे पूछा गया था रिकमेंडेशन फॉर इसेंट्रिसिटी पूछा मैक्सिमम पिच के बारे में पूछा मिनिमम उसके बाद स्लेंडरनेस रेशो स्टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं फिक्सड एंड मोमेंट जो फिक्सड केस है हमारे उनसे रिलेटेड पूछते हैं आपसे टैक्यूमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कंसिस्टेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायनेमिक विस्कोसिटी इनकी यूनिट मेमब्रेन क्योरिंग क्या होती है वैल्यूएशन के जो डेफिनेशनस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट या नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करना हाइड्रोलिक रेडियस मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन सारे ही पूछ लिए गए ऑलमोस्ट मेटा सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन स्टेबिलिटी कंडीशन से रिलेटेड शीयर लैग कॉम्पेक्शन इक्विपमेंट से रिलेटेड जो ब्रिक के कॉम्पोनेंट है उनसे रिलेटेड उसके बाद ड्यूटी डेल्टा लगभग हर शिफ्ट के अंदर इससे क्वेश्चन आया एक्विडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन जो है वो आपको मिले डेवलपमेंट से रिलेटेड नॉन डिस्ट्रक्टिव जो टेस्ट है उनसे रिलेटेड ग्रेड कंपनसेशन, री एनफोर्समेंट मैक्सिमम री एनफोर्समेंट दोनों से रिलेटेड पूछा गया डाइवर्जन हेडवर्क से भी काफी क्वेश्चन आए वैल्यूएशन का जो मैथड है सिंकिंग फंड से रिलेटेड भी लगभग तीन क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछे गए डिस इन्फेक्शन से रिलेटेड पीएच का सवाल आपसे पूछा गया सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्रैफिक इफेक्ट ऑफ पोजोलाना बीओडी कैलकुलेशन आपसे पूछा स्लीपर डेंसिटी हाइट एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट राइज एंड फॉल मेथड इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सिंपल न्यूमेरिकल पिच के बारे में साउंड ने सेपरेटर्स मैग्नेटिक डेक्लिनेशन तीन uh, दो या तीन शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन था रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इसके लिए आपको इसकी फाइननेस पूछी गई थी फ्लोराइड कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन लगभग फेवरेट होता है कार्पेट एरिया शीयर स्ट्रेंथ के बारे में ये सारी चीजें जो है आपसे पूछी गई थी अब ठीक है बहुत इधर उधर की बातें हो गई मैं भी समझ रहा हूँ आगे के बारे में बात करते हैं बिल्कुल मैं आपकी इसी बात से मैं एग्री करता हूं क्योंकि इसीलिए ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं बात कर रहे हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ इस क्वेश्चन को कैसे करना है इसको कैसे करना है अब इसके बारे में बात करने का ज़्यादा समय करेक्ट समय ये नहीं है ब्रिक थे ब्रिक से था आयरन ऑक्साइड वाला क्वेश्चन बिल्कुल बिल्डिंग मटीरियल्स कम आया था हाँ बिल्कुल मोस्ट डिफिकल्ट लेवल शिफ्ट टू के अंदर लास्ट वाली शिफ्ट में था बिल्कुल तो देखो आउटकम्स की बात करते हैं सीखने वाली बातों के ड्यूटी इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन ओके पुरानी बातों पे मिट्टी डालो सॉइल डाल दो चलो ठीक है अब देखो एस के नए क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे नेक्स्ट सेशन की बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेशंस उसके बाद चलो अब देखो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है अभी जिन दोस्तों को भी जैसी भी परेशानी है सभी बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट सेशंस की भी बात कर लेते हैं अब तक जो हो गया वो हो गया जिन दोस्तों को लगता है कि हाँ आपने अच्छा अटेम्प्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंग पहले जो जो आपकी सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग आपने अच्छा खासा जो है अटेम्प्ट दिया अच्छी फाइट दी आपने एक ठीक है चाहे क्वेश्चन टफ थे या कैसा भी था आपने पूरी फ़ाइट मारी आपने अपने मेहनत जो है वो आपने लगाई थी आपने ईमानदारी से अपनी तरफ से जो काम जरूरी था वो आपने कर लिया तो अब आगे की बात करते हैं दोस्तों तो जो नेक्स्ट अपनी प्लानिंग रहेगी नेक्स्ट अपने जो सेशंस रहेंगे डेफिनेटली चाहे आज का एग्जाम टफ ना आता तो भी हमारा पैटर्न जो है वो यही रहता कि हम अब तक जो पढ़ चुके हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी चीजें पूरा सिलेबस एक एक बार दो दो बार कर चुके हैं तो अभी जो है नेक्स्ट में ने अपने और जो सिलेबस को थोड़ा सा वास्ट करने वाले हैं और थोड़ा और जो लेवल है उसको इंक्रीज करने वाले हैं अब उसको वास्ट करना इंक्रीज करना लेवल को भी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या सिलेबस को कैसे वास्ट कर सकते हैं तो उसके हमारे पास क्या तरीका है या तो आप एस के साथ में इसको डिटेल में पढ़ो या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम गेट और ई ए की जो सेशन अभी स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर भी स्टार्ट होंगे स्पेशल सेशन में भी होंगे अन जो दोनों फ्री हैं इसके अलावा जो एसएससी की अपनी क्लासेस हो रही हैं वाईफाई स्टडी के जो मेन चैनल के ऊपर क्लासेस हैं वो भी आपके पास रहेंगे यहाँ पे तो इन सेशंस के अंदर दोस्तों आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है जो भी अभी लेवल आप कह रहे हैं कि लेवल चेंज हुआ या अभी तो जो मैं बातें कर रहा हूँ वो मैं बातें कर रहा हूं, हूं आपसे डिस्कस करने के बाद ही आपके मेमोरी के बेस्ड पे जितने क्वेश्चंस आपको याद रहे जो जो चीज़ें आपने बताई इनके अकॉर्डिंग जब हमारे पास एज इट इज़ विद कंप्लीट डेटा जब क्वेश्चंस आ जाएंगे तब उसके बाद हम एक जो है आगे का एक पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो हम बना सकते हैं कि हाँ कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए किस लेवल के क्वेश्चन या एग्जामिनर कैसे कैसे पूछे पूछने की कोशिश की किस टॉपिक से किस कॉन्सेप्ट को कैसे चेक करने की कोशिश की तो ये सारे जो हैं एनालिसिस हम तब कर पाएंगे जब आपके पास एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन पेपर वगैरह आ जाएं अब उसके बाद हम आगे की जो हमारी प्रैक्टिस की स्ट्रेटेजी है वो उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं लेकिन जो डिटेल में पढ़ने की स्ट्रेटेजी है वो हम अभी से शुरू कर सकते हैं नवंबर स्टार्टिंग से ही नवंबर फर्स्ट वीक में ही हम स्टार्ट कर देंगे फिर से हम तैयारी करना एस एस जो हमारा 2020 का नोटिफिकेशन है जिसका एग्जाम दो में होगा उसकी हम तैयारी शुरू कर देंगे विद डिटेल और इसके अलावा गेट की जो क्लासेज हैं ये भी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी और साथ ही में दोस्तों एक जो चैनल है सिविल वन जीरो वन अभी तक इसके ऊपर जो है कोई वीडियो वगैरह अपलोडेड नहीं है तो हो सकता है आप गूगल कर रहे हो सर्च कर रहे हो तो आपको वो ना मिल रहा हो मैं आपको इसका लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा इसके ऊपर थोड़ा सा काम चल रहा है इसके चैनल आर्ट वगैरह ये सब फॉर्म हो रहे हैं तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है मैं शेयर करूंगा आपके साथ तो आप उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उस चैनल के ऊपर जो भी क्लासेज आए आपको मिल पाएंगी वहां पे फायदा क्या हो जाएगा जैसे वाईफाई स्टडी मेन चैनल है इस पर बहुत सारी क्लासेस चलती रहती हैं अलग अलग बैंकिंग की भी चलती हैं रेलवे की भी चलती हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी क्लासेस मिक्स चलती हैं तो यहाँ पे जो टाइम स्लॉट इस चैनल के ऊपर हमें मिलता है, मिलता है है वो लिमिटेड तो हमारे पास एक और चैनल हो जाएगा डेडिकेटेडली सिविल के लिए तो वहां पर हम बहुत सारी क्लासेज जो हैं वो हम कर सकते हैं ठीक है थीके? और दो दिन रोने के लिए छुट्टी दे दें क्यों ऐसा कुछ नहीं है यार कोई बात नहीं कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा चलता रहता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें भी होंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी इट इज मतलब सॉरी टू से दैट लेकिन हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आ जाता है जब उसको ये लगता है यार ये चीज मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं थी की थी या हम ऐसे सोचते हैं कि यार मेरे साथ तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता तो वो जो मोमेंट आ जाता है तब आप रियलाइज करते हो इतना हेल्पलेस भी फील करते हो जब आपको ये लगेगा कि यार ये वाली चीज आई नेवर एक्सपेक्टेड कि कभी मेरे साथ ये ऐसा होगा बट ऐसा भी हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन भी हमें फ़ाइट करनी पड़ती है तो उन सिचुएशन के सामने ये जो एक एग्ज़ाम है ये इतनी सी सिचुएशन कुछ भी नहीं है डेफिनेटली आप सभी को हमारी जो सबकी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है हम सबकी एक्सपेक्टेशन होती है क्या कि हम एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट जो है वो अर्न करें कुछ हमारी इनकम हो हमारी मेहनत से जो हम कमाएं उससे हम हमारी फैमिली जो है उसको अब ब्रिंग करें और जो जो भी अपनी जो आपके छोटे मोटे जो भी आपके ख्वाब हैं बड़े से बड़े छोटे से छोटे वो सारे आप पूरे कर पाए उसके थ्रू तो इट इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप ऑफ इट तो उसके लिए हमारी एक्सपेक्टेशन जुड़ी है इस एग्जाम से इसलिए हमें बुरा लगता है कोई बात नहीं और हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं हम और अच्छा करेंगे और मेहनत करेंगे सबसे कुल मिला के लास्ट में जो कंक्लूजन निकलना चाहिए वो कंक्लूजन ये निकलना चाहिए डिड यू ट्राई योर बेस्ट डिड यू गिव योर बेस्ट आपने अपना बेस्ट दिया या नहीं दिया बाकियों के कंपैरिजन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है थ्रू आउट योर लाइफ मैटर क्या करेगा कि आप अपना बेस्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते जब भी जरूरत पड़ेगी आप मेहनत कर सकते हैं या नहीं कर सकते चाहे वो पढ़ाई वाला फील्ड हो चाहे वो कोई भी फील्ड हो कल को जिसमें भी आप हाथ डालेंगे तो आपको अपना बेस्ट देना है उसमें ईमानदारी से आपको वो अटेम्प्ट करना है हंड्रेड अटेम्प्ट ऑनली कोई बात नहीं आप ये भी तो देखो ना सबके साथ ऐसा हो रहा है कॉम्पिटिशन एग्जाम जो है ना कॉम्पिटिशन एग्जाम यही है अगर ईजी आया तो सबके लिए ईजी है टफ आया तो सबके लिए टफ है तो आपको एक दूसरे से कंपेयर किया जाएगा यहाँ पे इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इज कि कंपेयर किया जाएगा आपको कि हाँ किसने ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए टफ था सबके कम सबके कम अटेम्प्ट रहे लेकिन उन कम में से सबसे ज्यादा किसने अटेम्प्ट कर लिया उसको सेलेक्ट कर लो तो वही वाली चीज होने वाली है यहाँ पे तो टफ रहा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट जो है वो कम रहे तो सभी के लिए रहे होंगे एक आध के लिए नहीं है तो आप इसकी चिंता ना करें अब मैटर जो करेगा वो यही मैटर करेगा कि आपने कितना अपना हंड्रेड दिया या नहीं दिया डिटेल्ड कोर्स जो आपका सेकेंड नवंबर से एनअमी के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा ट्राई योर बेस्ट बट इट हर्ट्स यही सीखना है जिंदगी में कि जब भी आप बेस्ट ट्राई करें तब भी आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें ना हो तो आप कैसे अपने आप को संभालते हैं कैसे आप दोबारा से तैयार करते हैं अपने आप को नेक्स्ट जो चैलेंजेस हैं उनके लिए मेंस के बारे में, मेंस के बारे में दोस्तों जो अभी हमारे सेशन होंगे शुरू एन अकेडमी के ऊपर जो सेशन होंगे उनके अंदर हम मेन्स की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर देंगे जो जो सब्जेक्ट यहाँ पे चलेंगे यूट्यूब पे क्योंकि हमारे पास अभी सफिशियंट टाइम होगा अभी नेक्स्ट जो आपका मार्च तक एग्जाम का है तो अपने पास लगभग चार पांच महीने मिल जाएंगे अपने को तो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं हम आज का पेपर हार्ड था डेफिनेटली मेरी शादी का क्या होगा अब अच्छा ये कुछ तो शादी के लिए परेशान हो रहे हैं देखो ऐसा है कि जो भी आपकी पोजीशन को अगर जैसे कहते हैं दहेज मांगना बुरी बात है अच्छी बात नहीं है वैसे ही अगर लड़कों से कोई ये कहता है कि आपकी सरकारी नौकरी होगी तभी शादी होगी तो इसके लिए आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं आपने वैसे भी बहुत सारे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है आपने आरआरबी में पार्टिसिपेट किया है आपने अभी जो रिसेंटली वन सिमिलर डेट्स फॉर एस एस जेई उसके लिए अपनी आवाज़ उठाई तो आप इसके लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं कि स्टॉप एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बॉयज़ कि दे शुड हैव अ गवर्नमेंट जॉब टू गेट मैरिड अगर डाउरी बुरी बात है तो ये भी बुरी बात है और साथ ही साथ में एक बात और कि जब भी आप किसी प्रोटेस्ट में आप पार्टिसिपेट करें तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं यू आर फ्री टू प्रेजेंट यूर व्यूज ऑन सुटेबल मीडिया चाहे वो सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर आप बात कर रहे हैं चाहे आप कोई भी आ, चाहे आप कोई पिटिशन फाइल कर रहे हैं कैसे भी आप कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन कुछ जो तेज़ लोग होते हैं जो ई e बैगर्स होते हैं आई वुड रिपीट इट अगेन जो ई e बैगर्स होते हैं उनसे अवेयर रहें जस्ट फॉर द सेक ऑफ सपोर्ट वो आपको ये बोलेंगे जस्ट फॉर द नेम सेक कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आप इतना आप कंट्रीब्यूट कर दो आप इतना कंट्रीब्यूट कर दो सो उन ई e बैगर्स से सावधान रहें कहीं भी अननेसेसरी अपनी मनी जो है वो आप ना किसी को दें यू नेवर नो वेयर दैट मनी इज गोइंग और ना ही कोई आके बाद में आपको इसका हिसाब देने वाला है कि वो पैसे कहाँ गए आपकी सपोर्ट के लिए या जो आपका जो भी कॉज था उसके लिए आपने उन्होंने उनको जो दिए हैं वो ठीक है सो बीवेयर ऑफ सच फ्रॉड्स ऑनलाइन के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें चलती हैं बहुत सारी फ़ेक जो है डोनेशन स्ट्रीम्स चलती हैं उनसे भी आप ध्यान रखें ठीक है जैसे कि अभी जो बहुत सारी चल रहे थे बाबा का ढाबा एंड एटसेट्रा एटसेट्रा उनमें भी कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनके अंदर जो फेक स्ट्रीम्स के अंदर पैसे जो हैं वो ले लिए गए करेक्ट पर्सन तक नहीं पहुंचे वैसे ही जब भी कोई आती है बात चाहे आपकी बेरोजगारी से रिलेटेड आती आती है है चाहे किसी में आती है। आप पार्टिसिपेट करें आप अच्छे से करें अपने ओपिनियन जरूर दें लेकिन ऑफ सच फ्रॉडस्टर्स ठीक है तो आज के लिए इतना ही दोस्तों थैंक यू सो मच और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर तब तक के लिए टेक केयर और आज का जो एग्जाम था जैसा भी था कोई बात नहीं आप अपने हार्डवर्क के ऊपर बिलीव करते हुए एकदम चिल हो जाइए थोड़ा सा टाइम लगेगा चिल होने में इट इज इजी फॉर मी टू से फॉर यू इट विल भी थोड़ा सा टफ है अप्लाई करना लेकिन धीरे धीरे चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी और सभी का हाल यही है तो कॉम्पिटिशन एग्जाम है तो सभी का हाल अगर यही है तो सब कम्फर्ट जोन में ही है किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है ओके थैंक यू सो मच कल की छुट्टी दे दो कल का देखते हैं चलो ठीक है वी यू नो और अभी आप आराम करें अभी आप रेस्ट करें थैंक यू सो मच टेक केयर बाय गुड नाइट